आप देख रहे हैं न्यूज 10 रिपोर्ट। मैं मीनाक्षी अग्रवाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। उज्जैन के मक्सी रोड पर हरसोदन ग्राम पंचायत क्षेत्र में बड़ा ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त, श्रद्धालु और आम नागरिक मौजूद रहे। 7 दिवसीय कथा समापन पर भव्य पूजा अर्चना और आरती विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं विधायक रामलाल मालवीय भी पहुंचे और पूजा अर्चना आरती में शामिल हुए और स्थानीय ग्रामीण जनों की से चर्चा करते हुए स्थानीय रहवासी ग्रामीण जनों की समस्या सुनने के बाद उन्हें विधायक निधि से राशि स्वीकृत की सुविधा युक्त कार्य संपन्न होने के लिए बाधा भी किया। न्यूज 24 टाइम्स से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में परमात्मा के नाम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। उल्टा नाम जपत जब जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी भी जब राम जी का नाम लिया करते थे तो मरा मरा कहते थे। उल्टा नाम जपत जब जाना वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना। मरा मरा कहकर के उन्होंने परमात्मा को पुकारा तो भी परमात्मा ने उनको भावों को समर्पण किया है। तो कलयुग में परमात्मा के नाम का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साधे के हरे कोटि अपराध। 24 घंटे में से अगर एक घंटा नहीं तो आधा घंटा भी नहीं तो 15 मिनट भी नहीं तो 5 मिनट और 5 मिनट भी नहीं तो 1 मिनट के लिए भी जब भगवान का नाम ले लेते हैं तो परमात्मा उस जीव का भी कल्याण कर देते हैं। तो कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा थी। यहाँ करीब 15 गांव के लोगों ने इसमें सहयोग दिया और अच्छा बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया और आज आप देख ही रहे हो इसका नजारा कि आज करीब 3000 आदमियों का यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों का भंडारा भी रखा गया है। माँ भगवती के प्रसाद के रूप में आज कथा के समापन के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय माधवी जी, हमारे विवेक यादव जी एवं जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य सभी लोग आए और हमारे विधायक जी ने यहाँ के लिए बहुत सारी घोषणा करी है। ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, 25,000 का जो भागवत जी का जो वो शेड बनाना है एवं बाउंड्री वाल के लिए भी उन्होंने कहा है। और भविष्य में अगर विधायक जी मंत्री जी बनते हैं माँ की कृपा से तो ये बहुत सारा माता जी के लिए बहुत कुछ करेंगे, हमें ऐसी आशा। भागवत महापुराण कथा का यहाँ आज समापन हुआ है। माँ महाराम देवी हर्षोदन में जो मंदिर है हर्षोदन और बाढ़ में की पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर है और निश्चित रूप से बरसों से यहाँ धार्मिक आयोजन होते रहे। आज भी भगवान कृष्ण भगवान की जो लीला है उनका समापन तो कभी हम कह नहीं सकते होता, लेकिन एक व्यवस्था बनी हुई है। 7 दिवसीय भगवत महापुराण का पूर्णावती थी, सभी लोगों ने यह धर्म का लाभ लिया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग सुखी रहे और धर्म की ध्वजा आगे बढ़ती रहे ताकि हम लोग भगवान की जो कृपा उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की कृपा है और हम सब माता जी के दरबार में खड़े हैं, माता जी की कृपा आप और हम सब पे बनी रहे ताकि हम सब लोग सुखी रहे।